फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं, मुझे अभी लोको इंजन को चलाना पड़ रहा है। मैं अभी इसको लोको इंजन को अभी चला रहा हूँ, आपको देख सकते हैं। अभी दो इंजन को मैं कपलिंग करके चला रहा हूँ अभी। हाँ, वो शायद सिग्नल देगा, इसी चलते मुझे रोकने के लिए बोला। हम लोग को आगे अभी जाना पड़ेगा, हम लोग जा रहे हैं अभी। ये पहले हॉर्न मारेंगे फिर चलेंगे। इससे आपका गाड़ी का नौचअप किया जाता है, गाड़ी का इंजन को बढ़ाया जाता है आगे तक। देख सकते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक मुझे इस गाड़ी को आगे लेना पड़ रहा है, क्योंकि सामने जो सिग्नल देने वाले हैं वो भी डायरेक्शन उनका सही नहीं है। वो आगे डायरेक्शन में रहना चाहिए लेकिन वो पीछे रुके हैं। यहाँ पर उसका पॉइंट चेंजिंग होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो प्लेस है वो पॉइंट चेंजिंग होता है। जहाँ पर हो भी गया है पॉइंट अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि हम ट्रेलिंग में होते हैं, इसी चलते ये पॉइंट चेंज आराम से हो जाता है, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है। ये उसका ब्रेकिंग सिस्टम है जिससे हम ब्रेकिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। अभी हमको और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तब जाके पीछे और एक इंजन आ रहा है जिसको जगह मिलेगा वो आगे कटिंग करने के लिए, उसको पॉइंट चेंज करने के लिए। बस इतने में हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से। आप लोग देख सकते हैं दो इंजन को कपल करके लगाया गया है। हमको थोड़ा, मुझे लग रहा है और थोड़ा आगे तक, मुझे लग रहा है मुझे और थोड़ा आगे तक लेके जाना पड़ेगा इसको, तो मुझे थोड़ा और आगे मैं घुमा आगे लूँगा इस गाड़ी को। ये देखिए फिर से लेंगे थोड़ा आगे तक। जब भी इंजन मूवमेंट किया जाएगा तभी उसी टाइम में ही हॉर्न मारा जाएगा, नहीं तो कोई भी हो सकता है, आगे पीछे कोई भी हो। और इंजन मूवमेंट ख़त्म होने के बाद हमेशा थ्रॉटल हैंडल को न्यूट्रल में करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इसी इंजन कटआउट स्विच को, इसको इंजन कंट्रोल स्विच बोल सकते हैं, हम लोग कटआउट स्विच भी बोलते हैं, इसको आइडियल में करना चाहते हैं। अभी आइडियल में हो गया, ये पहले रन में था, ये आइडियल में हो गया है अभी। ये अभी देख सकते हैं उसको कपलिंग किया जा रहा है, उसके बाद इसको कपलिंग करके टो करके इसको ले लिया जाएगा जहाँ पर शेड है वहाँ पर। इसका लिखा है जीओसी में जाएगा, तो उधर ही वो चला जाएगा। वो ये देख रहे हो, वो लोग उसका पर कंजक्शन पाइप भी टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें पाइपलाइन का सब कुछ कनेक्ट कर रहे हैं।
यहाँ आप लोग देख सकते हैं अभी उस गाड़ी को टो करके ले लिया जा रहा है। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, दिन का शुरुआत हो गया है फिर से। लोको इंजन का मूवमेंट मेरा काम रहता है, लोको इंजन का मूवमेंट मैं कर रहा हूँ अभी। लोको इंजन का जस्ट मूवमेंट करके रखा हूँ, ये उसका लोको इंजन का उसका कंट्रोल स्टैंड है, ये भी मैं बताऊँगा धीरे धीरे आपको। ये इसमें क्या क्या पैरामीटर्स सब चेक करना रहता है, लोको पायलट को क्या क्या सब पैरामीटर्स चेक करना रहता है मैं बताऊँगा। ये अभी आप लोग देख सकते हो लोको इंजन, आप लोग अभी देख सकते हैं लोको इंजन को अभी डीजल फ्यूलिंग किया जा रहा है। ये डीजल इंजन है इसी वजह इसको डीजल फ्यूलिंग किया जाए, डीजल फ्यूलिंग पॉइंट है। ये आप जो नोजल होस देख रहे हैं लग रहा है डीजल फ्यूलिंग के लिए लगा गया है इसका। अभी देख रहे हैं उसका डीजल आना शुरू हो गया है उसके अंदर। अभी इसके अंदर टैंक रहता है आपका 5000 लीटर का टैंक रहता है, कभी कभार वेरी करता है, कभी कभार 5000 रहता है, कोई कोई एडवांस मॉडल में 6000 लीटर तक का टैंक भी रहता है उसके नीचे। ये दो कंट्रोल स्टैंड है मैं जो आपको दिखा रहा था, कंट्रोल स्टैंड है ये सब। हम लोग इसमें सब इसका पैरामीटर सब चेक करते हैं, कितने में किस में कितना वोल्टेज जा रहा है, किस में कितना करंट जा रहा है, सब चेकिंग होता है। ये हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्ले है हम लोग का। करेंगे धीरे धीरे करेंगे दो आदमी अकेले भी। हाँ करेंगे आराम से, अकेले नहीं कुछ कुछ होगा फिर कुछ नहीं होगा का काम है। लेकिन दो बार इस तरह काम आएगा जाएगा ठीक है खत्म हो जाए। अभी ये इंजन का फिलिंग होने के बाद जाओ मैं ऑन कर दूंगा, जाओ इंजन का फिलिंग होने के बाद इसको अभी आगे किया जाएगा। एक लाइन को हम लोग को क्लियर रखना पड़ेगा, जब कोई भी और एक इंजन आए तो उसमें फिलिंग करने के लिए आसानी हो। अभी मेरा एक दोस्त गया है उसमें सीसी ऑयल चेक करने के लिए, क्योंकि कैपेसिटी ऑयल उसके अंदर रहता है उसको चेकिंग करने के लिए। लूब ऑयल है वो, लूब ऑयल चेकिंग करने के लिए गया है। कितना उसमें आप बोल सकते हैं कितना उसमें तेल का यूज़ हुआ है वो जानने के लिए उसमें गेज रहता है, वो चेकिंग करने के लिए गया है अभी। ये जितने भी आप डीजल इंजन आप देख सकते हैं ये सब संटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेन लाइन में कोई गाड़ी भी नहीं जाता है, ये सब संटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये संटिंग पर्पज़ क्या होता है ना कि जैसे कि बड़े बड़े प्लांट में जितने भी सब कोल हो गया, नहीं तो आप बोल सकते हैं एल्यूमिनियम डस्ट, एल्यूमिनियम पार्टी, एल्यूमिनियम अनवांटेड मटेरियल हो गया, फिर आपका स्टील का मटेरियल हो गया, ये सब लेने के लिए आपका डीजल इंजन को इस्तेमाल किया जाता है। छोटे से जगह में इस्तेमाल किया जाता है, उसी को सेंटिंग किया जाता है, उसको सेंटिंग बोला जाता है उसको। अब उसका चेकिंग हो गया, इसी चलते मैं ब्रेकर जो है उसको ऑन कर दिया रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले है, गाड़ी अभी आइडल कंडीशन ही लिख रहा है, लेकिन ये गाड़ी रनिंग में है। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी जीएफ स्विच को काट के रखें, जीएफ स्विच जनरेटर फील्ड का स्विच है था उसको काट के रखें, इसी चलते उसमें आइडल शो कर रहा था। और ये नॉच थ्रोटल हैंडल है, थ्रोटल हैंडल आप देख सकते हो थ्रोटल लिखा हुआ है। ये जो थ्रोटल हैंडल है, थ्रोटल हैंडल अभी आइडल में है, इसी चलते इसमें आइडल दिखा रहा है, नहीं तो इसमें
नॉच का दिखा था, कितना नॉच में कितना करंट शो रहा है वो दिखा था। ये आप लोग देख सकते हैं येलो टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये ल्यूबल टेम्परेचर है जो कि 41 डिग्री तक जा रहा है। बैटरी अमीटर है, बैटरी अमीटर ये भी आप देख सकते हैं, ये हालांकि आपको पुराना हो गया लेकिन ये ही बैटरी अमीटर है। इसमें अभी 13 एम्पियर का शो कर रहा है। ये ल्यूबल प्रेशर है 3.2 है, इंजन आरपीएम है, ये बीसीडी काउंटर है, बीसीडी काउंटर में अलग बताऊंगा आपको। ये बैटरी वोल्टेज है जो कि अभी गाड़ी में 71 वोल्ट तक जा रहा है। ये फुल एल प्रेशर है 5.7-5.8 तक जा रहा है ये। फिर ये अभी तो गाड़ी चल नहीं रहा इसी चलते इसमें कोई दिखा नहीं रहा है। जीएचपी है, जनरेटर हाउस पावर है, फिर आपका इंजन टेम्परेचर है, ये सब तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। बट ट्रैक्शन मोटर अभी नहीं चल रहा है इसी चलते इसमें ऑफ दिखा रहा है अभी। इसमें बहुत सारा सेटिंग्स रहता है, मैं बाद में कभी आपको दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारा सेटिंग रहता है जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या सब होता है। अभी फीलिंग चल रहा है, फीलिंग ख़त्म होने के बाद ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा।